पाकिस्तान ने भारत को किया मजबूर, अब भारत रोकेगा पाकिस्तान का पानी। पाकिस्तान ने किया सिंधु जल संधि का उल्लंघन, अब भारत पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाएगा। शहबाज ने पाकिस्तान के साथ की धोखेबाजी, अब भारत सबक सिखाएगा। दाने दाने को तरसने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इन्हीं हरकतों की वजह से भारत ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया और जारी कर दिया है नोटिस। दरअसल पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि उसकी भूखी जनता अब पानी भी पिए, वो चाहती है आटे बिजली के बाद अब उसकी आवाम पानी के लिए तरसे, और वो भारत को मजबूर कर रहा है कि उसका पानी रोक दिया जाए। दरअसल ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। ये संधि सितंबर 1960 में हुई थी। पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। मोदी सरकार का साफ कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ जल संधि को लागू करने का समर्थक और जिम्मेदार भागीदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाई ने भारत को जरूरी नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे यह पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की। भारत ने संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। पाकिस्तान को यह नोटिस 1960 की सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12(3) के अनुसार जारी किया गया है। दोनों देशों के बीच 9 सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि में विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारत की ओर से जारी किए गए नोटिस में भारत ने कहा कि भारत हमेशा सिंधु जल समझौते को जिम्मेदारी के साथ लागू करता आया है, लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके कारण भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के संशोधन के लिए एक जरूरी नोटिस जारी करना पड़ा। साल 2015 में पाकिस्तान ने भारत के किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया था, लेकिन 2016 में पाकिस्तान ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए इस अनुरोध को वापस ले लिया और प्रस्ताव दिया कि एक मध्यस्थ अदालत उसकी आपत्तियों पर फैसला सुनाए। पाकिस्तान की ओर से की गई यह कार्रवाई सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन है, इसलिए भारत ने इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने का अनुरोध किया। चलिए जानते हैं क्या है सिंधु जल समझौता। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 9 सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि में विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसी समझौते से दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से पानी की आपूर्ति का बंटवारा नियंत्रित किया जाता है। इस समझौते के प्रावधान के तहत पूर्वी नदियां जैसे सतलज, ब्यास और रावी का लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल का उपयोग भारत के लिए आवंटित किया गया। खैर, पाकिस्तान की इन हरकतों पर आपकी क्या राय है, और क्या भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर सही किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।